और देखिए अगली खबर आपको बताते हैं। सावन का आज आखिरी सोमवार है, जिस बीच मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और आज सावन का आखिरी सोमवार, इस बार 2 महीने सावन का ये पर्व चला, जिस बीच सोमवार पे खासा उत्साह और हर्षोल्लास के साथ में भक्त नजर आए। इस बीच आज आखिरी सोमवार है, खासा मान्यता सावन की और सावन के सोमवार पे जलाभिषेक करने की। बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए फिलहाल तमाम भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एक लोटा जल तमाम समस्याओं का हल कहा जाता है। भोले बाबा को प्रसन्न करना अत्यंत आसान माना जाता है और खासतौर पर सावन के महीने में इसकी मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए तमाम भक्त आस्था के प्रतीक कहे जाने वाले सावन के महीने में फिलहाल मंदिरों का रुख कर रहे हैं। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, और उस बीच तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बम बम भोले के नारों के साथ में गूंजते हुए मंदिर नजर आ रहे हैं। और आज सावन का आखिरी सोमवार, इस बार सावन 2 महीने चले, जिस बीच तो देखिए इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में हरिंद्र शुक्ला वाराणसी से जुड़े हैं, अनिल बैरागी उज्जैन से हमारे साथ हैं, अस्मित पटना से हैं, समर्थ सिंह मालवा से हैं, रामगोपाल हरिद्वार से हमारे साथ हैं, आलोक मालवीय भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, कमलेश प्रजापति माउंट आबू से हमारे साथ में जुड़े हैं। इन सबसे बात करेंगे, तस्वीरें सबसे देखने की कोशिश करेंगे। उस बीच सबसे पहले रुख करते हैं हरिंद्र का वाराणसी से। हरिंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वाराणसी से देखने को मिल रही है? बाबा भोले की नगरी कही जाती है, लेकिन सबसे पहले हम कमलेश का रुख करते हैं। कमलेश, क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास? देखिए साक्षी, भगवान को मनाने का आज अंतिम दिन है कह सकते हैं, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और अधिक मास होने के चलते इस बार जो सावन का महीना है 2 महीने तक रहा। अब देखिए इस वक्त हम माउंट आबू में मौजूद हैं और माउंट आबू में जो श्रद्धालु है मंदिर में पहुंचे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां पर जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है और इस सोमवार पर जो पूजन अर्चन का जो महत्व है वो खासा हो जाता है। हम श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे। भाई साहब, आज सावन का अंतिम सोमवार है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे बड़ा अब के ये बहुत साल बाद आता है, 3 साल में भी आता है, 2 साल में बहुत कम आता है। ये कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग? बहुत तन मन से, और जो महादेव से जितना अर्जी इनसे लगाते हैं तो वो एक ही लगानी पड़ती है। कितने सोमवार आपने कर लिए? 8 सोमवार की। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो श्रद्धालु है साक्षी, कह सकते हैं कि आज सावन का अंतिम सोमवार है और इस सोमवार के अवसर पर जो भगवान शिव को जो मनाने का जो प्रयास है वो किया जाता है। और एक पौराणिक कथा का यहाँ पर उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि माउंट आबू में इस वक्त खड़े हैं तो माउंट आबू का जो इतिहास है वो अपने आप में अलग है। ऐसा कहा जाता है स्कंद पुराण के अंदर, इसका उल्लेख किया गया है कि माउंट आबू जब बना था यहाँ पर ब्रह्म खाई हुआ करती थी और वशिष्ठ मुनि की नंदिनी गाय है जो इसमें बार बार गिर जाती थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए भगवान वशिष्ठ मुनि ने भगवान ठीक है कमलेश, आपने तस्वीरें दिखाई माउंट आबू में, हिमालय का जो पुत्र भक्त जो है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। उस बीच में वाराणसी का रुख करूंगी माउंट आबू के बाद, जहां से हरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। हरेंद्र, वाराणसी में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काशी बाबा भोले की नगरी कही जाती है और खासा उत्साह हर सोमवार को हम देखते